हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैंने नायका से ऑर्डर करे हैं बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट मेकअप प्रोडक्ट अंडर 100 रुपीज़। एंड जो जो मेरे को चीपेस्ट दिखते रहे एंड अच्छे लगे उन सबको मैं परचेज करती गई। एंड इसी के साथ रेडी हो चुकी है हमारी बिगनर्स की मेकअप किट, जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है बिकॉज इसमें मैंने हर चीज़ ऐड करी है। मस्कारा से लेकर लिपस्टिक से लेकर हाईलाइटर से सब कुछ मैंने इसमें ऐड ऑन कर रखा है एंड कोई भी लोकल प्रोडक्ट मैंने इसमें नहीं ऐड करा है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बारी आती है हमारे प्राइमर की। तो मेरे को सबसे अच्छा और चीपेस्ट ऑप्शन जो प्राइमर के लिए मिला नायका पर वो था ये पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर फ्रॉम इनसाइड, जिसकी आउटर पैकेजिंग कुछ ऐसी दिखती है, अंदर से ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखता है। अगर आपके पोर्स हैं तब ये आपके लिए बेस्ट है बिकॉज ये आपके पोर्स को काफ़ी हद तक ब्लर कर देगा। एंड ये जो प्रोडक्ट है ये आपको आराम से अंडर 100 रुपीज़ तो मिल ही जाएगा जब भी सेल चलती रहती है, तो इसको ज़रूर ट्राई करना। तो इसके बाद बारी आती है हमारी फाउंडेशन के लिए। एंड सबसे ज़्यादा जो मेरे को चीपेस्ट ऑप्शन फाउंडेशन में दिखा था नायका पर वो था ये LA18 का फाउंडेशन, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। एंड इसमें टोटल 4 शेड्स आते हैं एंड जो मैंने शेड पिक करा है वो है 02 मार्बल, जो कि सूटेबल है फेयर टू व्हीटिश स्किन के लिए। एंड यहाँ पर सब कुछ इन्होंने मैंशन कर रखा है और इसको अभी तक मैंने नहीं यूज़ करा है तो मैं कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहती कि ये फाउंडेशन कैसा है या फिर नहीं है। जब मैं यूज़ कर लूँगी तब भी मैं इसके बारे में कुछ कह सकती हूँ। एंड मेरे को एक चीज़ इसके बारे में अच्छी नहीं लगी कि इसके साथ जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो इसके साथ कोई भी पंप नहीं आता एज यू कैन सी। ठीक है, अगर हम इसको यूज़ करेंगे निकालेंगे अपने हाथों में तो ये काफ़ी ज़्यादा मैसी होने वाला है। बस यही चीज़ मेरे को इसके बारे में अभी तक अच्छी नहीं लगी है। तो इसके बाद बारी आती है हमारी कंसीलर की। एंड कंसीलर के लिए मेरे पास सबसे बेस्ट और चीपेस्ट ऑप्शन है ये इनसाइड का कंसीलर। इसकी तो मैं क्या ही तारीफ करूँ, बहुत ही अच्छा कंसीलर है एंड इसको तो मैं रोज़ डेली में यूज़ करती हूँ। इसको देख सकते हैं कवरेज भी इसकी बहुत अच्छी खासी है, बहुत आराम से ब्लेंड हो जाता है, किसी भी आपको ब्रश की नीड नहीं पड़ेगी इसको ब्लेंड करने के लिए। प्लस आई एम इन द शेड NC1 पोर्सिलेन, ये काफ़ी अच्छा शेड है फेयर स्किन टोन के लिए। इसमें टोटल 5 to 6 शेड्स आते हैं, जिस भी टाइप का आपका स्किन टोन है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। एंड ये आपको आराम से 80 से 90 रुपीज़ का मिल जाएगा। एंड इसके बारे में मैंने फुल डिटेल वीडियो बना रखी है, उसको मैं लिंक कर दूँगी आई बटन में, तो उसे ज़रूर देख लेना। तो मेकअप को सेट करने के लिए अब बारी आती है हमारी लूज़ पाउडर की। लूज़ पाउडर के लिए मेरे पास सबसे अच्छा ऑप्शन है ये इनसाइड का लूज़ पाउडर, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। इसका पूरा नाम है फ्लॉलेस मैट फिनिश HD फिनिशिंग लूज़ पाउडर, राइट। इसमें वैसे तो प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बट इसमें मेरे को एक ही चीज़ अच्छी लगी कि इसकी पैकेजिंग बहुत गंदी है। प्लस इसके साथ जो ये पाउडर पफ आता है ये भी बहुत ज़्यादा चीप क्वालिटी का, इससे बढ़िया तो आप अपना ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर लो। एंड अगर जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ इसको ओपन करती हूँ स्लिट को, मेरा प्रोडक्ट हमेशा गिर जाता है, तो थोड़ा सा आराम से ओपन करना अदरवाइज़ आपका भी थोड़ा बहुत प्रोडक्ट वेस्ट हो सकता है। अदरवाइज़ प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है अगर इसकी पैकेजिंग को ये सुधार ले तो। तो इसके बाद बारी आती है हमारी ब्लश की। एंड ब्लश के लिए मेरे पास अगेन सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है इनसाइड का क्रीम ब्लश। ये बहुत ही अच्छा ब्लश है, लाइक अभी मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ अपने हैंड्स पर एंड आप देख सकते हैं इसकी पिगमेंटेशन भी कितनी ज़्यादा अच्छी है। प्लस इसकी स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई एम इन द शेड रास्पबेरी जेलाटो 02 एंड ये बहुत आराम से ब्लेंड हो जाता है एंड दिस इज़ सूटेबल फॉर ऑल द स्किन टाइप, तो इसको भी ज़रूर ट्राई करना। इससे चीपेस्ट और इससे बढ़िया ऑप्शन ब्लश में आपको नहीं मिल सकता है। एंड इसके बारे में भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, तो उसे भी मैं लिंक कर दूँगी आई बटन में, तो उसे भी ज़रूर देखना। तो इसके बाद बारी आती है हमारी आईब्रो की। एंड आईब्रो के लिए मेरे पास सबसे सस्ती आईब्रो पेंसिल है ये स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल एंड आई एम इन द शेड डार्क ब्राउन। एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्जैक्टली ये कैसी दिखती है। देखो, आप देख सकते हो कि इसका पिगमेंटेशन भी कितना अच्छा है। प्लस आई गेस इसका जो प्राइस है वो है शायद 50 रुपये, इससे ज़्यादा सस्ती आईब्रो पेंसिल तो आई गेस आपको नहीं मिलने वाली है। प्लस ये काफ़ी अच्छी है, सो इसको भी ले लो आँख बंद करके। तो इसके बाद बारी आती है हमारी आईलाइनर की। एंड आईलाइनर के लिए अगेन मेरे पास सबसे ज़्यादा सस्ता आईलाइनर प्रोडक्ट है ये ब्लू हेवन का आईलाइनर, जिसका MRP है 65 रुपीज़, बट अगेन ये सेल में आपको 50 से 55 रुपए का मिल जाएगा। एंड इसको मैं यूज़ करा करती थी जब मैं स्कूल में थी एंड जब मैं आईलाइनर लगाना सीख रही थी। प्लस ये वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है। एंड मैं आपको इसका स्वॉच करके दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली ये कैसा दिखता है। एंड अगर आपको आईलाइनर लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है तब तो आपके लिए बेस्ट है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा सस्ता आईलाइनर है एंड काफ़ी सही है, बहुत ज़्यादा जेट ब्लैक लाइनर है।
तो इसके बाद बारी आती है हमारे मस्कारा के। एंड सबसे ज़्यादा जो चीपेस्ट मस्कारा मेरे को नायका पे दिख रहा था वो था ये ब्लू हेवन का मस्कारा है, इसका नाम है गेट बोल्ड मस्कारा। एंड इसमें आपको आराम से मिल जाएगी 6.5 ml की क्वांटिटी। एंड जस्ट लुक एट द पैकेजिंग, कितनी ज़्यादा छोटू सी एंड क्यूट सी इसकी पैकेजिंग है। प्लस इसको मैंने अभी तक नहीं यूज़ करके देखा तो मैं इसके बारे में अगेन कुछ नहीं बोलना चाहती कि मस्कारा अच्छा है या फिर नहीं। एंड जब मैं इसको ओपन करती हूँ तो इसका वॉन्ड कुछ ऐसा दिखता है, वॉन्ड तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी जब मैं इसको यूज़ करूँगी तभी मैं इसके बारे में कुछ बोल पाऊँगी। इसके बाद बारी आती है हमारे आई शेडो के। एंड आई शेडो के लिए मेरे पास सबसे चीपेस्ट आई शेडो मेरे को मिला था ये सिंगल आई शेडो, एंड ये है मिस क्लेयर का बेक्ड आई शेडो। एंड आई एम इन द शेड 13। एंड इसमें आई गेस टोटल मिल जाएंगे 10 to 15 शेड्स। इसमें ब्लू मिल जाएगा, ग्रीन मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा, मेहरूनिश टाइप मिल जाएगा, हर टाइप का शेड मिल जाएगा जैसा भी आपको चाहिए। प्लस आप इसको अपने आईज़ पर तो लगा ही सकते हैं एंड इसको आप हाईलाइटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लुक एट द पिगमेंटेशन, बहुत ज़्यादा ब्लाइंडिंग है। तो इसके बाद बारी आती है हमारे हाइलाइटर की। एंड अंडर 100 rupees कोई भी अच्छा हाइलाइटर मिल पाना तो वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट इनसाइड का ये वाला हाइलाइटर अंडर 100 rupees मिल जाता है। एंड आई डोंट थिंक सो कि इससे अच्छा हाइलाइटर आपको अंडर 100 rupees मिलने भी वाला है। एंड अब मैं आपको इसका स्वॉच दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा ये क्रीमी सा हाइलाइटर है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड जब भी आप इसको फेस पे लगाते हो बहुत अच्छा सा नेचुरल और सटल सा ग्लो दे देता है, बहुत आसानी से ये ब्लेंड हो जाता है। एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये आपके फेस पर जब भी आप इसको लगाते हो। एंड काफ़ी अफोर्डेबल ये हाइलाइटर है। एंड इसको ब्लेंड करने के लिए आपको किसी भी ब्रश की नीड नहीं पड़ने वाली, आराम से ही आप इसको फिंगर से लगा भी सकते हैं एंड ब्लेंड भी बहुत आसानी से हो जाता है। तो इसके बाद बारी आती है हमारी लिपस्टिक। एंड लिपस्टिक के लिए अगेन मेरे पास सबसे अच्छा ऑप्शन है ये ब्लू हेवन की लिपस्टिक। एंड इसका नाम है हाइपर स्टे वेटलेस लिक्विड लिपस्टिक। एंड आई एम इन द शेड 11 लाइट कॉफ़ी। एंड मैं इसका स्वॉच करके दिखाती हूँ, ये बहुत अच्छी लिक्विड लिपस्टिक है। एंड इसका जो कलर है ये है पिंकिश ब्राउनिश टाइप का। एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा देर तक ये स्टे करेगी आपके लिप्स पर एंड बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है ये। प्लस अगर आपको ये नहीं लेनी तो इसके अलावा इसका ऑल्टरनेट भी ले सकते हैं, वो है इनसाइड की लिपस्टिक। यहाँ पर मैं इमेज इंसर्ट कर दूँगी, एक्चुअली वो कैसी दिखती है। 90 rupees की मिलती है, बट उसके शेड्स जितने भी हैं वो सारे बहुत ज़्यादा डार्क शेड्स हैं, इसलिए मैंने उसे नहीं लिया है। तो इसके बाद बारी आती है हमारे मेकअप फिक्सर की। एंड इतना तामझाम कर लिया तो उसको सेट भी तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो चीपेस्ट ऑप्शन मेरे को नायका पर दिख रहा था वो था ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। काफ़ी अच्छा एंड अफोर्डेबल ऑप्शन है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम चीपेस्ट फिक्सिंग स्प्रे। एंड इसकी स्मेल भी मुझे तो ठीक ठाक ही लगती है, अगर आपको स्मेल ज़्यादा पसंद नहीं है तो मे बी आपको दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज़ ये आपके बेस को बहुत अच्छे से सेट कर देगा। सो दैट कम्प्लीट्स माई वीडियो। एंड मैंने यही सारे चीपेस्ट मेकअप खरीदे थे अंडर 100 rupees नायका से। एंड आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आपको करना है इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर, मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। सो अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।